भारत के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से लगातार अपील कर रहे हैं। उसके बाद अब सांसद विधायक भी घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह घरों से बाहर ना निकलें। वहीं वक्षी का तालाब में पत्रकारों से खास बात करते हुए मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने के न्यूज संवाददाता सनी कुमार को फूल देकर सम्मानित किया और पत्रकारों से अपील भी की। भैया एक मिनट आप पीछे आ जाइए, विजुअल कर लेते हैं। कोविड 19 की जिस तरह से महामारी पूरे भारत में फैल रही है, और मैं आपको दिखा दूं कि राजधानी लखनऊ की बक्सी के तालाब क्षेत्र है जहां पे सांसद कौशल किशोर जी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो जो है यहां ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं और क्या कुछ वो जो है राहत सामग्री वहां तक पहुंचाई जा रही है। सर, के न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कुछ आप मदद कर रहे हैं ग्रामीणों की? देखिए, ग्रामीणों का इस समय जो है, एक तो प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा कर दिया है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलेगा, दाल मिलेगी, तेल मिलेगा, नमक मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, और ये बटना शुरू भी हो गया है। कुछ जगह राशन कार्ड वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे, उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो तहसील प्रशासन के लोग हैं, वो लोग वहाँ देखभाल करके उन तक राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की जो पार्टी की टीम है वो भी जगह जगह पता करती है, और कहीं भी कोई से समस्या आती है तो कुछ लोगों से मिलजुल करके और सहयोग लेकर के लोगों तक के राशन या पका हुआ भोजन पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और ये लगातार प्रयास है कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे, इसलिए इस तरह लग करके हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। आप कौशल किशोर जी सांसद थे हमारे साथ में, एक सवाल और ले लेते हैं। सर, ये जो कोटेदार हैं, सुनने में आ रहा है कि ये जो है कहीं जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पताते फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे हैं या उनको उस तरह से राशन नहीं वितरण किया जाए, क्या कुछ कहेंगे? ये सर्वर डाउन चल रहा है इस समय जो है, मैंने कल DSO से बात किया था और ADM सप्लाई से भी बात किया था, जो मशीनें हैं वो सर्वर डाउन है, जिसकी वजह से अंगूठे के प्रिंट या अंगुलियों के प्रिंट नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से वहाँ भीड़ लगती चली जा रही है। इसकी शिकायत मैंने दर्ज किया है, वो आपसे लेके शाम तक के निश्चित तरीके से ठीक हो जाएंगे, तो बाकी लोगों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज तक के अगर नहीं होगा तो मैनुअल राशन बटेगा, लोगों के दस्तखत करा के लोगों को राशन देना शुरू कर दिया जाएगा। तो आप थे कौशल किशोर सांसद जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा उनके लिए मैनुअल सिस्टम किया जाएगा। हालांकि राजधानी लखनऊ में ऐसे जो है 570 ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे लोगों को राशन नहीं पहुँच पा रहा है। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए सनी कुमार।